हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं सिद्धार्थ टेक। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो और आपको अगर योनो रजिस्ट्रेशन करना हो तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप इजीली योनो रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे और अपना रेफरेंस नंबर जनरेट करने के बाद ब्रांच में आप रेफरेंस नंबर दिखाने के बाद आपको एक्टिवेशन कोड जैसे ही आएगा तो आप इजीली रजिस्टर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स के सारे हम योनो SBI एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 8-10 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया है वही स्टेप से आप योनो रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और आसानी से चला पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, हम देखिए योनो SBI का जो एप्लीकेशन है ऑफिशियली मोबाइल बैंकिंग ऐप, तो उसे हम रजिस्टर करके कैसे यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले तो प्ले स्टोर में जाके आपको योनो SBI ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू टू SBI, एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन वापस से गए दिया है, रजिस्टर विथ माय ATM कार्ड। अगर आपके पास अगर ATM कार्ड है तो आप बीच का जो ऑप्शन है रजिस्टर विथ माय ATM कार्ड को क्लिक करिए। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है बट आपको ब्रांच में से करना है तो आपको रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स करना है। तो यहाँ पे हम अकाउंट डिटेल्स के सहारे करेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन पे, तो उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद अपना सेविंग अकाउंट नंबर जो है वो आपको इंटर कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके CBS कोर बैंकिंग में तो वो डाल देना है आपको। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला, तो यहाँ पे ब्रांच टू विजिट फॉर एक्टिवेशन, तो यहाँ पे मेरा ब्रांच का नाम आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको OTP आएगा। तो यहाँ पे मुझे OTP प्राप्त हो गया, तो OTP इंटर कर देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिव्यू यूज़र डिटेल्स, सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स, व्यू लिमिटेड फुल। तो आपको हर तरह का अगर ट्रांजेक्शन करना हो तो आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट्स लेना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी चाहना है तो अकाउंट स्टेटमेंट देखना है तो व्यू कर सकते हो, और आपको लिमिटेड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे फुल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, तो यहाँ पे हम यूज़र नेम लेने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैपिटल सिद्धार्थ MORE और मैं अपना जो जन्म साल है वो इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ मोरे 1991। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है, अभी मान लीजिए मेरा नाम सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ @1234, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे है। देखिए ऐसा ही पासवर्ड आपको सेट करना है, सिद्धार्थ @1234। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड कैपिटल लेना है, उसके बाद स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे कि @ लिया है हमने 1234, तो नंबर्स भी लेना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम मेरा है सिद्धार्थ मोरे 1991 और पासवर्ड मेरा है यस कैपिटल I और बाकी का जो भी है स्मॉल है @1234। तो आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सक्सेसफुल रेफरेंस नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आपको जनरेट हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ब्रांच सिलेक्ट की हुई है वहाँ पर जाके आपको ये रेफरेंस नंबर बैंकर को दिखाना है। वहाँ से ही आपको ये रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपको एक्टिवेशन कोड आएगा। तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा एक्टिवेशन कोड आने के बाद आपको क्या करना है। तो ये जो रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस नंबर है, ये 7 डेज़ के लिए है, वैलिड है सिर्फ। तो 7 डेज़ के अंदर ही आप रेफरेंस कोड के द्वारा एक्टिवेशन कोड प्राप्त करने के बाद आप तुरंत ही एक्टिवेट कर पाओगे अपनी नेट बैंकिंग को। तो अगला पार्ट देखते हैं। हमने रेफरेंस नंबर जनरेट किया था,
तो मैं बैंकर के पास मतलब बैंक में गया। उसके बाद वो रेफरेंस नंबर को जनरेट किया दोस्तों, तो मुझे तुरंत ही मैसेज आ गया। ये देखिए, एक्टिवेशन कोड फॉर योनो रजिस्ट्रेशन इस 639309, तो ये 30 मिनट्स के लिए वैलिड है दोस्तों। उसी दिन में आपको ये पूरा प्रोसेस करना रहेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, आपको वापस से योनो ऐप में जाना है। जैसे ही आप योनो ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद देखिए आई हैव एक्टिवेशन कोड, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूज़र नेम, जो यूज़र नेम हमने लिया था वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम जो लिया था, तो यहाँ पे पासवर्ड जो है दोस्तों, जो मेरा पासवर्ड था सिद्धार्थ @1234, ये टेम्परेरी पासवर्ड है, देख लीजिए आप। तो या फिर रेफरल कोड देखिए दोस्तों, रेफरल कोड आपको डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर योनो एप्लीकेशन अच्छे से चल सके तो ये रेफरल कोड आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड काफ़ी ज़रूरी है अगर कुछ एरर ना आए इन फ्यूचर। तो यहाँ पे एक्टिवेशन कोड देखिए, जो हमें SMS प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे एक्टिवेशन कोड हम इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूज़र नेम जो हमने बनाया था स्टार्ट में सिद्धार्थ मोरे 1991, और पासवर्ड जो मैंने लिया था वो, उसके बाद यहाँ पे रेफरल कोड आ जाएगा 12216354080, और एक्टिवेशन कोड जो हमें SMS द्वारा प्राप्त हुआ वो, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों, रजिस्टर सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन योनो। योनो में आपका सक्सेसफुली बैंक मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो गया है दोस्तों। गो टू योनो होम, तो योनो होम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूज़र नेम वही रहेगा हमारा, सिर्फ जो टेम्परेरी पासवर्ड था अभी वो परमानेंट बनाने की ज़रूरत है हमें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सिद्ध @1234, यहाँ पे ये सिंपल सा पासवर्ड रखा है मैंने दोस्तों। यहाँ पे यूज़र नेम देख सकते हो सिद्धार्थ मोरे 1991, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यू हैव सक्सेसफुल चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो अब आपको अभी क्या करना है, सेट 6 डिजिट न्यूमेरिक MPIN, तो MPIN आपको सेट MPIN में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंसेंट दे देना है आपको, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सेट न्यू MPIN, तो यहाँ पे आपको MPIN डालना है, जैसे कि मैं मान लीजिए 11 22 33 11 22 33, ये मेरा MPIN एकदम इजी। यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट कर देने के बाद OTP आएगा आपको, जैसे ही OTP आएगा आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड। तो आपको फुल्ली अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों। तो आप बैलेंस वगैरह देख सकते हो यहाँ पे, व्यू बैलेंस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये ऐप यूज़ करने के लिए काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। तो मैं वापस से लॉग इन करने वाला हूँ एज़ पर योर नॉलेज। तो यहाँ पे लॉग इन कर देंगे, तो यहाँ पे MPIN डाल दूँगा मैं 11 22 33। तो जैसे ही डालेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे योनो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप से ही आपको जाना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी इजी है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको जाने के बाद, आप थोड़ा थोड़ा करके आप अपने जो नेट बैंकिंग है, जो योनो एप्लीकेशन है, उसको सीख पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।